Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of R247 regulatory bodies and us. So my name is Amanjot and I am here with all of you to discuss the another important session regarding your SIDB grade A mocks. Okay, so let's start the session. Session ko start karte before starting the session. Do let me know kya audio video sabhi okay hai. are we good to go? इस ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके आवे गुड टू गो एक बार जल्दी से बता दीजिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं डू शेयर द सेशन वंस बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स विल बी थिंकिंग की आज क्लास नहीं होगी सो अगर अभी तक आपने सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट So, this is our first question that is talking about recently Mr. Narendra Modi inaugurated the Dr. Sharma Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation, that is DSPM, okay, and IWAS, that is Nevas, in which of the following city? So, question is simply asking, which si city is launched by Mr. Modi? First is New Delhi, second is Kolkata, third is Hyderabad, fourth is Kanpur, and out of these, you have to tell which of the following is correct. दस मिनट चलिए इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है ए बी सी डी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिटी में आपका जो स्कीम है इनोग्रेट किया गया है दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन तो एक इंस्टीट्यूशन को यहां पर इनोग्रेट किया गया बाय मिस्टर मोदी सो दिस इंस्टीट्यूशन इज इनागरेटेड इन विच पर्टिकुलर सिटी आपका न्यू दिल्ली में किया गया है कोलकाता हैदराबाद है और कानपुर है सो एक्चुअल में द रियल आंसर द राइट आंसर विल बी और कोलकाता कहाँ पे किया गया है इसको इन कोलकाता इट हैज बीन इनागरेटेड बाई मिस्टर नरेंद्र मोदी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है कोलकाता में स्टार्ट किया है तो राइट आंसर विल भी बी नाउ डिटेल्स अगर हम इस क्वेश्चन की देखें तो यू कैन सी ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इनगरेटेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इन कोलका सो एस पी एम निवास बीन सेटअप विदट ऑफ रुपीज हंड्रेड करोड़ ऑन एट पॉइंट सेवन टू एक ऑफ लैंड एट जोका सो डायमंड हार्बर रोड कोलकाता वेस्ट बेंगाल ओके okay. so, सो पे हुआ है कोलकाता में हुआ है किसने इनगरेट किया मिस्टर मोदी ने क्या बजट बजट है 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 आपका करोड़ का ठीक so, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को क्या किया था चेयर किया था सेकंड द यूनियन मिनिस्टर रिट्रीटेड द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ कॉपरेशन फेडरलिज्म एंड स्टेट्स दैट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन नमामि गंगे जल जीवन मिशन द कम्माइंड एफर्ट्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज़ अराउंड द ग्लोब इसके ऊपर फोकस किया गया जो कि किसका सपना है मिस्टर नरेंद्र मोदी का है और वी गन से हिस्स टारगेट इज दिस तो श्रीमती विनी महाजन सेक्रेटरी दैट ऑफ डी डी डब्ल्यू एस अर्ज स्टेट्स टू फोकस ऑन वाटर सर्विस डिलीवरी हमें किस पे फोकस करना चाहिए वाटर सर्विस डिलीवरी पे फोकस करना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है साथ ही में यू कैन सी इन्होंने ऐसा भी कहा है पार्टिसिपेटिंग स्टेट से टू लिस्ट द इश्यूज इन वाटर सर्विस डिलीवरी डिस्कस करो उसको कम आउट विद एन एक्शन प्लान फॉर एफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान कि सभी स्टेट्स को आपस में मिलना चाहिए अपने इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए इश्यूज को रिसोल्व करने के सोल्यूशन एक दूसरे को देने चाहिए एक एक्शन एक प्लान के साथ इस पे आप काम कर सकते हो सो डी डी डब्ल्यू एस कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू द विजुअल रिपोल्यूशन ठीक है ये आपका सेटअप किया गया डीडीडब्ल्यू एस के थ्रू सो दीज मॉडल्स इंक्लूड वॉट योर फर्स्ट इको सैन टॉयलेट सैप्टिक टैंक टाइगर टॉयलेट ट्विन प्लस टॉयलेट एन ए डीईपी नरब कंपोस्टिंग Pit, then a vermicomposting plank, sanitation chamber, magic pit, soak pit.

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ना दिस इज आई थिंक द सिंपलेस क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसने रिलीज करी है चाहे ये ट्वेंटी सिक्स हो चाहे ये फर्स्ट हो चाहे ये हंड्रेड रिपोर्ट हो कौन पब्लिश करता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फर्स्ट इज सिंग आर बी आई सेकेंड इज सिंग नीति आयोग थर्ड इज सिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल फोर्थ इज सिंग एन पी सी आई सो आउट ऑफ दीज यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से किसने ट्वेंटी सिक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया है ए बी सी डी और ई नॉट ई ए बी सी डी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आरबीआई है रिजर्व बैंक स्टेबिलिटी रिपोर्ट को क्या करता है पब्लिश करता है ना सर्टन हाईलाइट वी हैव टू कवर हियर दैट आपका यहाँ पे क्या कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है ट्वेंटी सिक्स इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑन ट्वेंटी टू ठीक है द रिपोर्ट इंडिकेट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमेटी ऑफ़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका रिपोर्ट इंडिकेट करता है कलेक्टिव असैसमेंट किसका सब कमेटी का ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल किसके ऊपर ऑन द रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलस ऑफ़ द फाइनेंशियल सिस्टम अब वो रिस्क कहाँ से आने के चांसेज हैं हाँ ना रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आने की चांसेस है क्योंकि इसके बारे में आपका रिपोर्ट में बताया गया सो so, फर्स्ट कह रहे हैं वॉलिटिटी इन द एक्सचेंज रेट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यू डॉलर इसके कारण हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क देखने को मिल सकती है सेकेंड इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस थर्ड ग्लोबल इकोमिक्स प्रोडाउन जैसे कि हम बोल रहे हैं ट्वेंटी में आपका ग्लोबल रिसेशन आएगा तो दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिशिट in क्या है आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट कम हो रहे साथ कैपिटल हमारी कंट्री से पैसा जाता जा रहा है दिस वन ऑफ द रीजन देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपकी कंट्री में बढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन हमारा पूरा टू थाउजेंड ट्वेंटी से नीचे नहीं आया जो हमारा टारगेट था वन ऑफ द रीजन इज दिस ऑल्सो कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है देन जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाएगा आपका जो रशिया एंड यूक्रेन वॉर के कारण देखने को मिल रहा है तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बात कर रहा है वो कलेक्टिव असेसमेंट कर रहा है सब कमिटीज़ की इसके ऊपर रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी

थर्टी आयुष्मान टू जो है वो इंडिया टारगेट को अचीव कर चुका है ये आपको बताना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसको लेकर आए थे आफ्टर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ट्वेंटी सेवनटीन वॉज इंट्रोड्यूस क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि आपका कॉम्प्रीहसिव अप्रोच बनाना है आपको किसको आपके इंश्योरेंस को तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंट्रोड्यूस किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है आपका ये प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर ठीक है द राइट आंसर या विल बी ए वन लाख ओके इट्स नॉट सी अभिषेक इट इज़ ए दैट इज वन लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैज बिन स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम बाय द डे थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड कम्पल्स वेलनेस सेशन ऑन योगा जुम्बा साइक्लॉन वॉकटॉन एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन डाइट फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिव एंड parenting, tobacco, alcohol cessation among the other aspect of imbibe a mindset of the community well-being. In, In the light of expansion of Ayushman Bharat Health and Wellness Centre the number of essential medicines has increased to 172 at the primary health centre health wellness centres and 105 at the sub health centres, health wellness centres and essential diagnosis have also expanded to 63 at the <clears throat> primary health centers and 14 to the your sub health centers okay so fulfilling the principle of antodya the leaving no one behind policy 1.5 lakh ayushman bharat health and wellness center are transforming the delivery of comprehensive primary health care services which are universally free and cater to all age group from birth to death through a continuum of care approach okay next चलिए सो रिसेंटली श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर्स श्री राम फाइनेंस आपका एक एन बी एफ सी जिसको हंड्रेड बिलियन का क्या मिला है फंडिंग मिला है अंडर इट सोशल फाइनेंस फ्रेमवर्क फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है फर्स्ट इज सेंगे एडीबी सेकेंड इज संग मोफ बैंक थर्ड इज सिंग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक का पार्ट देन फोर्थ इज सिंह न्यू डेवलपमेंट बैंक सो आउट ऑफ दम किसने यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस एन को हंड्रेड मिलियन डॉलर का लोन दिया है बताइए इज इट ए बी सी और डी <coughs> क्या है करेक्ट आपका ए बी सी और डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो राइट आंसर विल बी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक किसने प्रोवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है श्रीराम फाइनेंस को कितना हंड्रेड मिलियन डॉलर क्यों दिया है देखो Sriram Finance Limited, India's largest retail NBFC and a part of the Sriram Group said it has secured a long-term funding of $100 million from the Asian Development Bank to provide, to provide what? Credit to its customer towards purchase of new and used vehicles across India. So purchase of new and used vehicle across India, here $100 million ka loan mila, to loan dega. साथ ही में हंड्रेड मिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ये जो है ये फाइव ईयर्स का लोन है कितने साल का लोन लिया गया पांच साल का लोन लिया गया बाय द ए डी बी फ्रॉम ए डी बी है श्रीराम फाइनेंस जो कि करेंटली आपका वन पॉइंट सेवन वन लाख करोड़ रुपये का एसेट रखता है अंडर द मैनेजमेंट इट ऑल्सो सेड दैट इट रेज ट्वेंटी टू फिफ्टी मिलियन डॉलर फ्रॉम यू एस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड फोर सेवेंटी फाइव मिलियन थ्रू वन फोर्टी फोर ए bond from the international market earlier this year so ye paisa bhi utha chuka finance from the market the lender is merged entity of Shriram city union finance and Shriram transport finance so new share of the merged entity tumble during their market debt on the thursday next Next question we are talking about first which of the following organizations and ministries will be organizing the startup india जो इनो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम टेंथ ऑफ जनवरी टू द सिक्सटींथ ऑफ जनवरी 2023 तो so, किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस मिनिस्ट्री ने आपका ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को 10 टू सिक्सटीन जनवरी में फर्स्ट इज सिंघ इट इज़ नीति आयोग सेकंड इज सिंग इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थर्ड इज सिंग इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फोर्थ इज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट फिफ्थ इज सिंह नन ऑफ दी अबव तो क्या लगता है आपको यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज करवाया था किस मिनिस्ट्री ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को A, B, C, D, or E. Which of the following is correct? Atul is saying DPIIT, Abhishek is saying C. Okay. Both are going with the DPIIT. That is very good. Correct answer is Department for Industrial and Internal Trade. C option is correct. Okay. But detail detail So We can see DPIIT has virtually organized the first ever Startup India Innovation Week from 10th to 16th january the week commemorate the 75th year of india's independence azadi house mahotsav and showcase the spread and depth of entrepreneurship across india so union minister for commerce and industry mr Piyush goel launched the startup india innovation week as part of the startup india innovation week indian institute of management kozhikode that is in kerala business that is incubator सो लेबोट्री लैबॉर्ट्री फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड ऑन्टरशिप वॉज यंड इंडियन बैंक हैज साइन एंड एम ओ यू टू लॉन्च अ स्टार्टअप फंडिंग स्कीम आई एंड डी स्प्रिंग बोर्ड टू सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप विद द लोन्स अप टू रुपीज फिफ्टी करोड़ तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पियूष गोयल ने लॉन्च किया था इस वीक को और एज अ स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक यहाँ पर ये सारे सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेसिस हैं जिन्होंने बात की है दैट वी विल बी साइनिंग इंग एमओयू और हम स्टार्ट करेंगे आपका इंडिया स्प्रिंग बोर्ड जो कि सपोर्ट करेगा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली और जो फाइनेंशियली सपोर्ट होगा वो कितना लोन मिलेगा 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैजनाउंस टू ऑर्गेनाइज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसिप मेला तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कहा है अनाउंस किया था ऑर्गेनाइज करने के लिए इस मेला को दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑनरशिप ऑन ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेट मी नो ओके डी आंसर इज कमिंग एंड डी इज करेक्ट किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनप्रिनरशिप ने किया है वेरी गुड सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल की हाईलाइट आपके क्या दिए गए हैं सेवरल लोकल बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ द मेला एंड प्रोवाइड अप्रेंटनशिप अपॉर्चुनिटीज टू इंडिया यूथ साथ ही में यहाँ पे यू कैन सी इंडिविजुअल्स कैन रजिस्टर फॉर द मेला बाय मेलाइट पे इस वेबसाइट पे विजिट करके टू फाइंड द नियरेस्ट लोकेशन आपके एरिया के अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज विजन टू बूज द करियर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया यूथ स्किल्ड इंडिया मिशन है ना द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनरप्रिनशिप इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रीनशिप मेला On January 9th, that has been done across 242 district in 28 states and union territories of India. So, काफी सारे लोकल बिजनेस हैं जिनको अनाउंस किया गया था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड योर ऑनटरप्रिनरशिप ठीक है क्या होगा राइट आंसर डी होगा चलिए नेक्स्ट Now, next question is: Which of the following organizations has announced to auction India's first sixteen thousand crores worth of sovereign green Bonds? So, in this case, organization has announced to sixteen thousand crores of sovereign gold bond?

आरबीआई ने यहां पर अनाउंस किया है ऑप्शन ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ वर्थ ऑफ सवर्जन ग्रीन, ग्रीन बॉन्ड्स ठीक है चलिए नेक्स्ट सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल

राइजिंग एंड एक्सरेटिंग एम एस एम ई परफॉर्मेंस जिसको हम रैम्प स्कीम बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेइेशनिस्टिंग असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फर्स्ट इज सिंह एशियन डेवलपमेंट बैंक सेकेंड इज सिंह वर्ल्ड बैंक थर्ड इज सिंह जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन फोर्थ इज सिंह न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड फिफ्थ सिंग नन ऑफ दब तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रहा है इस स्कीम को ऑर्गेनाइज करने में तो रैम्प स्कीम का इंप्लीमेंटेशन में कौन हेल्प कर रहा है ओके अभिषेक इज सिंह बी दैट इज वर्ल्ड बैंक व्हाट अबाउट रेस्ट बिग बुल इज सिंह सी व्हाट अबाउट रेस्ट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक नॉट द जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी बट द वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर ओके okay. कौन कर रहा है हेल्प वर्ल्ड बैंक कर रहा है सो लेट सी हियर अगर मैं रैम्प स्कीम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखो रैम्प स्टैंड फॉर राइजिंग एंड एक्सिलेटिंग परफॉर्मेंस कैबिनेट ने अप्रूव किया था सिक्स थाउजेंड सिक्सटी टू करोड्स वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम ऑन रैम सो रैम्प इज अ न्यू स्कीम एंड वुड कमेंस इन फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री सो थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी करोड्स टू ब लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इसकी तरफ से मिल रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिलेगा रिमेनिंग जो आपका टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व करोड्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सरकार खुद देगी तो कौन हेल्प कर रहा है इंप्लीमेंट करने में वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है सो रैम सपोर्ट वेरियस कोविड रेजिलेंस एंड रिकवरी इंटरवेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एम साथ ही में ये एम कर रहा है इंप्रूव करने के लिए एक्सेस टू द मार्केट एंड क्रेडिट साथ में स्ट्रेंथन करेगा इंस्टीट्यूशन को जो कि एंड गवर्नेंस देगा सेंटर और स्टेट्स को रैम जो है वो स्केल अप कर रहा है इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी को और एस एम कवरेज को इन द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा आपका सिक्सटी मिलियन एम एस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को micro, small, ठीक साथ ही में 5.5 पॉइंट फाइव लैक एमएसएमई स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर एनहांस परफॉर्मेंस कितना 5.5 पॉइंट फाइव लैक एमएसएमई को यहाँ पे टारगेट किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रेस्ड वन बिलियन डॉलर वायर टेन ईयर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू अंडर इट्स एनवाटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है Is it SBI? Is it a Small Industries Development Bank of India? Is it HDFC? Is it Exim Bank or is it none of the above? So, which particular bank or institute has raised one billion dollar via ten-year sustainability bond that has been issued under the Environmental Social Governance Framework? So, what will the answers? A, B, C, D, or E? Okay, A SBI. Abhishek is saying Exim Bank. Okay. What about rest? The right answer for this question is not SBI. It's not SIDBI. It's not HDFC. The right answer for this question will be Exim Bank, Export Import Bank of India. The right answer is Export Import Bank of India. Exim Bank ne okay? चलिए यहाँ पे देखो एक्सिम बैंक रेजेज वन बिलियन डॉलर्स इशूइंग द सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड चेन्नई जैन इलावन सो द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज वन बिलियन डॉलर्स अ टेन ईयर ओल्ड सॉरी टेन ईयर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड अंडर इट्स एनवॉर्मेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क ओके सो विच बैंक हैज़ डन दैट एक्सिम बैंक हैज़ डन दैट Now, recently, Union Minister Mr. Hardeep Singh Puri addressed the 11th edition of your Bioenergy Summit 2023 in New Delhi. So, it was organized by which of the following organization? It through organized Kia which First is saying Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Second is saying Indian Economic Trade Organization. Third is saying Federation of Indian Export Organization. Fourth is saying Confederation of India's Industry. And fifth is saying none of the above. तो क्या लगता है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा किसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया था बायो एनर्जी समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को ए बी सी डी और ई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अभिषेक इज आस्किंग फॉर ए बिग बोल इज सिंग डी व्हाट अबाउट रेस्ट Pratiksha is saying a okay so the right answer for this question is your cii confederation of india's industry okay right answer is cii so they go to to provide an opportunity for innovators and a way forward for clean and green energy solution in the future the bioenergy summit was held on january 12th okay in New delhi so the union minister for petroleum and natural gas hardeep singh puri addressed the 11th edition of the confederation of indian industry flagship event the bioenergy summit the theme katha so with the focus of finding clean and efficient solution the bioenergy summit 2023 is a platform for stakeholders to collaborate develop and discuss the innovative solution to ensure the sustainable and inclusive development of energy okay in the india in India, so the theme of the bioenergy summit 2023 is energy transition solution for a sustainable tomorrow. So that was the theme of this particular energy summit, bioenergy summit. So do remember the theme also important. the target here, that India to achieve 20% ethanol blending in petrol by 2025. This target, in mind. One liner general awareness can be asked. India has increased the ethanol blending in petrol from 1.53%. इन 2013-14 फोर्टीन टू टेन इन जुलाई 2022 यूनियन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी पुरीसर तो हमें लगता है 2025 तक 20 परसेंट का टारगेट हम अचीव कर लेंगे ठीक है सो लेट मी नो कितने आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट दिए तब तक मैं आपको बता दूं जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन उन सभी पे राइट नाउ ट्वेंटी थ्री परसेंट का ऑफ चल रहा है वन परसेंट एडिशन ऑफ लेने के लिए यू हैव टू गो टू एप्लीकेशन कॉइन्स को आप यूज करोगे आपको वो मिल जाएगा ठीक है एंड द कोड टू एनरोल हियर जो कोड आपको यहाँ पे यूज करना होगा दैट विल बी

बट नॉट दीज अगर आप नए होली बॉडी चैनल पेन डो नॉट फॉलो टू सब्सक्राइबल एंड प्रेस आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशन के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकें ठीक है चलिए सो थैंक यू फॉर जॉइंग